कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आए हैं आगरा रोड कचौरा बाईपास इटावा। यहाँ पे एक मंदिर है, साईं मंदिर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ पे, तो काफ़ी सुना है इसके बारे में, बहुत फेमस है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं इसमें है क्या। तो हम आ चुके हैं मंदिर के गेट पर, और मंदिर का गेट कुछ ऐसा है। तो ये मंदिर का द्वार है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी फेमस है यहाँ का मंदिर। ये काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और अपना माथा टेकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, यहीं से रास्ता जाता है मंदिर के लिए, अंदर के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये मंदिर है यहाँ का, ये मुख्य द्वार है। यहाँ एक छोटा सा एक वो बना हुआ है, नंदी बाबा जी की मूर्ति है यहाँ पे। हम थोड़ा हाथ जोड़ते हैं इनको, फिर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये देखिए मुख्य द्वार की सुंदरता, यहाँ से दिखने में काफ़ी अच्छा है ये मंदिर। दोस्तों मेरे भी तो देख पा रहे हैं कि आप, मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर लग रहा है। काफ़ी अच्छी मूर्ति है, साईं बाबा की प्रतिमा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देख के आते हैं कैसा मंदिर है। देखिए यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी पूजा चल रही है साईं बाबा की। अभी यहाँ पे आरती हुई है, यहाँ पे ये देखिए झूमर, बड़ा ही सुंदर झूमर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये साईं बाबा की प्रतिमा है, बड़ी सुंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के भीतरी वाले कक्ष में, और ये देखिए हमारे पीछे काफ़ी मूर्तियाँ हैं साईं बाबा के जी के अलावा भी। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ के सबकी मूर्तियों के, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सक पा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको मूर्तियाँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं भगवान की मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, ये दान पात्र है, यहाँ पे आप दान कर सकते हैं, प्रसाद अर्पण कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से जो बाहर का जो द्वार है वो यहाँ पे यहाँ से है, यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ भी। और ये मंदिर का निकास द्वार है यहाँ से, देखिए आप निकास द्वार पर। ये ऐसा कुछ दृश्य है यहाँ का, ये जो मंदिर का जो ऊपरी भाग है जो ऐसा दिखता है। और ये थोड़ा कुछ छोटा सा गार्डन है यहाँ का, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। फिलहाल के लिए जो फुव्वारा वो अभी बंद है, लेकिन वो गर्मियों में चालू होता है, लेकिन अभी तो बंद है ठंड की वजह से। और ये मंदिर का वो द्वार है, यहाँ से सब लोग निकास करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है बाहर का निकास द्वार, यहाँ से एग्जिट करते हैं बाहर। कचौरा रोड है इटावा, और आप सामने आपको देख सकते हैं बाजार भी लगा हुआ है, यहाँ प्रसाद ले सकते हैं आप। तो ये द्वार दोस्तों, हमने मंदिर तो काफ़ी पूरा देख चुके हैं, काफ़ी सुना है इस मंदिर के बारे में, काफ़ी देखा भी है और हम देख भी चुके हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ क्या है, उनकी सलाह पूछते हैं उनके बारे में, इस मंदिर के बारे में इतना क्यों प्रसिद्ध है इतना मंदिर। तो चलिए पूछते हैं, आइए। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, उनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवमपाल है, मैं रहने वाला जिला टाबाई का हूँ। और यहाँ का मंदिर की बात करें तो मंदिर बहुत फेमस है। मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं यहाँ हर गुरुवार को आता हूँ साहब, यहाँ बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है साहब। यहाँ आने जो मांगते हैं वो इच्छा पूरी होती है साहब। ये मंदिर बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं साहब। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे इतने लोग, यहाँ भीड़ में जैसे कि देख पा रहा हूँ, तो इतनी भीड़ क्यों है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो दोस्तों ये था कुछ इस मंदिर के बारे में दृश्य, कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए, एंड अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिए। और ये मंदिर के बारे में तो जरूर घूमने आना, कभी टाइम मिले तो यहाँ पर। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।